बहुत समय पहले एक रानी के यहाँ बहुत गोरी त्वचा और नीली आँखों वाली एक कन्या का जन्म हुआ। जब स्नो व्हाइट बच्ची थी तभी रानी की मृत्यु हो गई। लड़की के पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी लेकिन वह बहुत क्रूर भी थी। वह राज्य की सबसे खूबसूरत महिला बनना चाहती थी। वह अक्सर अपने जादुई दर्पण से पूछती थी, दर्पण, हे दर्पण, कौन है उन सब में से सबसे गोरा? और जादुई दर्पण उत्तर देगा, आप हैं महामहिम। लेकिन एक दिन दर्पण ने उत्तर दिया, स्नो व्हाइट रानी क्रोधित थी। उसने शिकारी को बुलाया और उसे आदेश दिया, स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो। लेकिन शिकारी ने उसे नहीं मारा। वह उसे जंगल में ले गया और उसे भाग जाने के लिए कहा। स्नो व्हाइट अब जंगल में बिल्कुल अकेली थी। वह रोते हुए जंगल के अंदर तक भटकती रही। आखिरकार वह एक छोटी सी कुटिया तक पहुंची और अंदर चली गई। कुटिया अस्तव्यस्त थी। उसे मेज पर 7 प्लेटें और शयन कक्ष में 7 छोटे बिस्तर मिले। उसने खाना बनाया और घर की सफाई की। थककर वह 7 छोटे बिस्तरों में से एक पर सो गई। इस बीच घर के मालिक घर लौट आए। वे 7 बौने थे जो एक गहना खदान में काम करते थे। वे सब कुछ इतना साफ सुथरा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने शयन कक्ष के अंदर देखा और राजकुमारी को सोते हुए पाया। जब राजकुमारी उठी तो वह 7 बौनों पर मोहित हो गई। बौनों ने उसकी कहानी सुनी। स्नो व्हाइट को दुष्ट रानी से बचाने के लिए उन्होंने उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। महल में वापस आकर रानी को पता चला कि स्नो व्हाइट अभी भी जीवित है। वह गुस्से में थी। उसने एक जहरीली औषधि बनाई और उसमें एक सेब डुबोया। रानी ने खुद को एक बूढ़ी किसान महिला का रूप दिया और सेब लेकर जंगल में चली गई। उसने स्नो व्हाइट को जहरीला सेब पेश किया। स्नो व्हाइट ने सेब ले लिया क्योंकि वह वास्तव में स्वादिष्ट लग रहा था। उसने सेब खाया और गहरी नींद में सो गई। किसान महिला वापस महल की ओर भागी। बौने गाते हुए घर लौटे। अचानक उन्होंने देखा कि स्नो व्हाइट फर्श पर बेहोश पड़ी है। उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। 7 बौने पूरी रात रोते रहे। उन्होंने उसे एक क्रिस्टल ताबूत में गुलाबों के बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वे ताबूत को जंगल में ले गए और हर दिन वहां एक फूल रखते थे। एक दिन एक युवा राजकुमार जंगल में आया। उसने 7 बौनों को स्नो व्हाइट के पास बैठे देखा। वह अपने घोड़े से उतर गया। उसकी नजर ताबूत में पड़ी स्नो व्हाइट पर पड़ी। प्रिंस ने ताबूत का ढक्कन उठाया और स्नो व्हाइट को चूम लिया। जैसे ही उसने उसे चूमा, स्नो व्हाइट ने अपनी आंखें खोल दी। जहरीले सेब का जादू टूट गया था। मेरी राजकुमारी, आप जीवित हैं, राजकुमार ने कहा। राजकुमार ने स्नो व्हाइट से शादी की और उसे अपने महल में ले गया। उसके बाद से वे खुश रहे।